Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुमित पटेल है और इस वीडियो में हम देखेंगे कि WZX P2P से USD कैसे खरीदते हैं। तो जैसे आप WZX.com पे जाओगे, उधर आपको P2P का ऑप्शन मिलेगा। P2P ऑप्शन क्लिक करने के बाद आपको जैसे एक्सचेंज ट्रेड्स में बाय एंड सेल का ऑप्शन दिखता है, वैसे P2P के अंदर भी आपको बाय एंड सेल का ऑप्शन दिखेगा। इधर अगर आपको बाय ऑर्डर प्लेस करना है तो सेम वे में आप इधर अमाउंट डाल सकते हो। जैसे कि मैं 15 USDT खरीदने वाला हूँ और मैं चेक करूंगा कि लास्ट रेट जो भी अवेलेबल है मार्केट में वो कितना अवेलेबल है, सो उस हिसाब से मैं उसका ऑर्डर प्लेस करूंगा। सो मेरे को 15 USDT खरीदना है और मैं रेट डाल रहा हूँ 78.75। ठीक है, अगर आपके पास कोई अगर प्रीफर्ड बायर या अगर आपका कोई प्रीफर्ड सेलर अवेलेबल है तो उधर आप प्रीफर्ड बायर और सेलर का XID भी डाल सकते हो। प्रीफर्ड बायर और सेलर का मतलब यह है कि कोई आप जानते हो कि कोई आपका सेलर जो है जिसके साथ पहले आपने डील किया था, या फिर कोई आपका फ्रेंड है जो आपको USDT बेचना चाहता है, तो उसके साथ आप डायरेक्टली भी मैच कर सकते हो। उसका आपको सिर्फ इधर XID डालना है और XID डालने के बाद आपको बाय पे क्लिक। सिमिलरली आप इधर XID ऑर्डर बुक के थ्रू भी आप USDT बाय एंड सेल कर सकते हो। अगर आपको बाय करना है तो आप हमेशा सेलर के उधर आप चेक करोगे कि कौन सा सेलर है जो आप USDT जो है वो बेचना चाहता है और कितना वॉल्यूम में बेचना चाहता है। अगर आपको बड़ा ऑर्डर प्लेस करना है, फॉर एग्जांपल जैसे कि 2000 USDT अगर आपको खरीदना है वन शॉट में, तो आप इधर इनका जो XID है वो आप पे क्लिक करके इधर बाय कर सकते हो। और इधर आप देख सकते हो कि वो ऑटोमेटिकली डिटेल्स फिल हो जाता है, XID भी इधर ऑटोमेटिकली फिल होता है। सिमिलरली अगर आपको बेचना है तो वो भी आप कर सकते हो और इधर आप बायर्स को सब डायरेक्टली XID के थ्रू आप मैच कर सकते हो। सो ये वाले वीडियो में हम देखेंगे कि हमें USDT खरीदना है तो मैं 15 USDT खरीदूंगा और इधर ये जो भी मैंने XID पहले डाला हुआ था, जो सिलेक्ट किया हुआ था, वो मैं निकाल रहा हूँ बिकॉज मेरे को डायरेक्टली मैच करना है मार्केट से। अभी इधर मैं रेट प्लेस कर रहा हूँ 78.75 ताकि जो ऑर्डर है मेरा वो जल्दी से मैच हो जाए। और इधर मैं डाल रहा हूँ 15 USDT। सो अभी बाय पे प्लेस कर रहा हूँ मैं और आप चेक कर सकते हो कि इधर अभी जो है उसका मैचिंग चालू हो गया है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो ऑर्डर है वो मेरा मैच हो चुका है सेलर के साथ। और सेलर के साथ जैसे आपका ऑर्डर मैच हो जाता है वैसे आपके पास 10 मिनट्स का विंडो रहता है जिसमें आपको सिर्फ कंफर्मेशन देना है कि आप सेलर को पेमेंट करने वाले हो या नहीं। सो उसमें अभी आपको दिखाया गया है कि 15 USDT मैच हुआ है और इतना जो अमाउंट है वो आपको सेलर को ट्रांसफर करना पड़ेगा जो कि है 1176.45। ठीक है, और एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हो P2P में तो आपका जो फर्स्ट बाय ऑर्डर जो है वो आपका 14.5 या 15 USDT का लिमिट रहता है। तो हमेशा आपको पहला ऑर्डर जो है वो 15 USDT का आपको फुलफिल करना है। आपका वो ऑर्डर अगर सक्सेसफुल हो जाएगा उसके बाद ही आप हायर लिमिट्स पर आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। इसका मीनिंग ये है कि आपको आइडिया आ जाएगा कि P2P कैसे चलता है, तो 15 USDT खरीदने के बाद आप बड़ा ऑर्डर जो है वो प्लेस कर सकते हो। सो अभी ये केस में सेलर ने दोनों मतलब IMPS तो मैंडेटरी ऑप्शन है P2P के लिए, बट ये केस में सेलर ने UPI ID भी लिंक किया हुआ है, वो रीज़न के वजह से हमें सेलर का UPI का ऑप्शन भी दिख रहा है इधर। ठीक है, अगर आपको ये ऑर्डर कैंसिल करना है तो आप ऑर्डर को कैंसिल अभी भी कर सकते हो। इधर ऑप्शन दिया गया है, इधर क्लिक करने के बाद आप ऑर्डर कैंसिल कर सकते हो और ये जो सेलर का USDT जो लॉक्ड है टेम्पररी वो उनको रिलीज हो जाएगा और फिर वो दूसरे साथ मैच हो जाएगा। तो ये वाले केस में मैं UPI के थ्रू पेमेंट करने वाला हूँ सेलर को, तो इसमें मैं UPI का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ एक पॉपअप विंडो आता है जिसमें अपडेट दिया गया है कि जैसे मैं आई विल पे पे क्लिक करूँगा उसके बाद 60 मिनट्स तक वो जो विंडो है पेमेंट करने का वो एक्सटेंड हो जाएगा और उसमें मेरे को UPI डिटेल्स जो है सेलर के वो दिख जाएंगे ताकि मैं उनको पेमेंट कर सकूँ। ठीक है, एक और वार्निंग इधर दिया जाता है कि अगर आप पेमेंट नहीं करने वाले हो, अगर आपने IVP पे क्लिक कर दिया है और उसके बाद अगर आप पेमेंट नहीं करते हो सेलर को तो उसमें आपको पेनल्टी लगने के चांसेस है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि आप IVP पे तब भी करते हो जब आप 100% श्योर हो कि आप पेमेंट करने वाले हो सेलर को। तो इधर अभी मैं IVP पे क्लिक कर रहा हूँ। सो आप देख सकते हो कि जैसे मैंने IVP पे क्लिक कर दिया इधर 60 मिनट्स तक का जो विंडो है अभी ये ओपन हो गया है और मेरे को अभी ये जो पेमेंट है वो सेलर के अकाउंट में जो कि सेलर के UPI ID में मेरे को पेमेंट करना है और ये 60 मिनट्स के टाइम फ्रेम में करना है। और इधर एक और चीज़ है कि आप इधर रिमार्क्स भी देख सकते हो। ये रिमार्क्स बेसिकली वो चीज़ है जो जब भी आप कभी पेमेंट करते हो, राइट, कोई भी बैंक का ट्रांसफ़र करते हो तभी उसमें एक नोट्स डालने का ऑप्शन रहता है या रिमार्क्स डालने का ऑप्शन रहता है।
तो उधर हमेशा आपको ये वाला रिमार्क डालना है जो जो इधर दिखाया गया है। ये रिमार्क आप डालोगे तो सेलर को ऐसे पता चल जाएगा क्योंकि आप उनको जो पेमेंट आया है वो ये वाले अमाउंट का जो पेमेंट है वो वाला आया, तो ताकि वो जल्दी से कंफर्म कर पाएगा। सो अभी ये केस में मैं सेलर को पेमेंट करता हूँ मेरे UPI के ऐप से। अमाउंट हम डालेंगे अभी UPI ऐप में जो कि है 1176.45, और इधर नोट्स का जो ऑप्शन रहता है उसमें हम रिमार्क्स डालेंगे 7563। अभी इसका जो UPI ऐप से आप पेमेंट करते हो तभी उधर आपको पिन डालना रहता है आपका UPI का, तो आप पिन डाल दीजिए और जैसे पेमेंट हो जाएगा आपका उधर, उसके बाद आप इधर जो चेकबॉक्स अवेलेबल है उस पर क्लिक करके आपको आई हैव पेड का जो ऑप्शन है वो क्लिक करना है। तो अभी मैंने सेलर को पेमेंट कर दिया है, तो उसके बाद अभी मैंने चेकबॉक्स पे भी क्लिक कर दिया है और इधर आई हैव पेड का ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो इसमें फिर से ये अभी डबल कंफर्मेशन कर रहा है कि आपने फॉर श्योर सेलर को पेमेंट कर दिया है। यानी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये ऑप्शन आप तभी से कर रहे हो जब आपने 100% सेलर के बैंक अकाउंट में या UPI ID में पेमेंट कर दिया है, उसी के बाद आप आई हैव पेड पे क्लिक कर रहे हो। अगर आप फॉल्स कंफर्मेशन दे रहे हो तो इसमें भी आपको पेनल्टी लगने के चांसेस है। तो अभी मैंने सेलर को पेमेंट कर दिया है और सेलर को पेमेंट करने के बाद अभी इधर मैंने कंफर्मेशन दे दिया है। अभी हम वेट करेंगे थोड़ा टाइम जब तक सेलर कंफर्म नहीं कर देता, कंफर्म इन द सेंस कि सेलर चेक करेगा उनके बैंक अकाउंट में कि ये पेमेंट उनको मिला है या नहीं। तो जैसे उनको पेमेंट जाएगा वैसे वो कंफर्म कर देंगे और ये जो 15 USDT है वो मेरे WZX अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो अभी आप देख सकते हैं कि सेलर जो है उन्होंने ये पेमेंट कन्फर्म कर दिया है और ये जो 15 USDT है वो अभी मेरे WZX अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया है, और आप फंड्स के सेक्शन में जाके आप आपका USDT बैलेंस चेक कर सकते हो। सो इस तरीके से आप WZX P2P से USDT खरीद सकते हो। आपको सिर्फ दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना है जो कि है आप अमाउंट जो ट्रांसफ़र कर रहे हो वो एग्जैक्ट अमाउंट ट्रांसफ़र कर रहे हो सेलर के अकाउंट में, आप जो सेलर का बैंक डिटेल्स है UPI ID डाल रहे हो वो आप सही से डाल रहे हो जो भी आपको इधर डिस्प्ले किया गया था पहले, और आप जो ट्रांसफ़र कर रहे हो फंड्स वो आपके WZX अकाउंट में जो बैंक अकाउंट लिंक्ड है वही अकाउंट से आप ट्रांसफ़र कर रहे हो।